वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ दो फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है, एक है लैंड, दूसरा है लेबर। तो लैंड का मतलब क्या है? ये तो नेचर की गिफ्ट है और ये लैंड से हम मनी को अर्न कर सकते हैं और इसको एक्सचेंजेबल वैल्यू भी है। और लेबर का मतलब है वर्कर। सो इन टूडेज लेक्चर वील बी टॉकिंग अबाउट एंड द टू फैक्टर्स, दे आर कैपिटल एंड एंटरप्राइज। सो फर्स्ट है कैपिटल। सो कैपिटल का मतलब क्या है? अगर हम इसको बेसिक डिफिनीशन में देखें, सो कैपिटल का मतलब है फंड्स, इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसे, फाइनेंशियल मनी। अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं, कैपिटल का मतलब है इंग्रेडिएंट्स, गुड्स, जैसे ट्रैक्टर, कंपनी कार्स, एक इंडस्ट्री, फ्यूल, मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुम एक जूस को प्रिपेयर करना चाहते हो, जैसे ऑरेंज जूस। ठीक है, सो ऑरेंज जूस में इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? ऑरेंज एंड वाटर एंड समटाइम्स वील ऐड द आर्टिफिशियल स्वीटनेस जैसे शुगर फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो अगर हम इफ़ वी सी दीज इंग्रेडिएंट्स एज रॉ मटेरियल्स, सो विद द हेल्प ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स ओनली वील प्रिपेयर द ऑरेंज जूस। अगर हम ये रॉ मटेरियल्स को इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, दीज आर कैपिटल। ये ऑरेंज, शुगर, वाटर, ये सब कैपिटल है इकोनॉमिक टर्म्स में। बट दीज आर जस्ट रॉ मटेरियल्स इफ यू सी इन द नॉर्मल डेफिनेशन, जैसे गूगल डेफिनेशन में। ठीक है, सो कैपिटल का मतलब है हम कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए हम कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जैसे मतलब फ्यूल, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स। सो ये सब कैपिटल है इकोनॉमिक टर्म्स में। अगर हम एक इंडस्ट्री में कैपिटल क्या होता है, इफ़ एनीवन आस्क यू व्हाट इज़ अ कैपिटल इन अ इंडस्ट्री, सो उसमें होगा दैट इंडस्ट्री एक कैपिटल है और इसमें मशीन्स एक कैपिटल है और उसमें फ्यूल एक कैपिटल है और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे टोमेटोस, ये भी कैपिटल है। बिकॉज सिर्फ हम टोमेटो से हम केचप प्रिपेयर कर सकते हैं, सो ये टोमेटोस हो गया कैपिटल। ठीक है, लेकिन कैपिटल तो दो तरीके होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। सो टेम्पररी कैपिटल का मतलब है रॉ मटेरियल, जैसे मान लो टोमेटोस। सो इफ वी यूज़ द टोमेटोस, व्हाट हैपेंस? टोमेटोस तो डिक्रीज होते जाएगा बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग द टोमेटोस इनटू केचप। सो टोमेटोस है रॉ मटेरियल, केचप है, ये तो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सो इफ वी यूज़ द टोमेटोस ओनली वी कैन गेट द केचप। सो इस केस में टोमेटोस है टेम्पररी, लेकिन परमानेंट की एग्जाम्पल है मशीनरी है, प्लांट है, प्लांट का मतलब है इंडस्ट्री। सो मशीनरी मतलब मशीन्स, इंडस्ट्री, यू नो दे वोंट डिक्रीज और दे वोंट यू नो दे वोंट फेड अवे, दे विल बी देयर ऑल द टाइम। इसलिए यह परमानेंट है और छोटी छोटी रॉ मटेरियल्स जो होते हैं यह टेम्पररी कैपिटल है। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो थिंक लैंड इज ऑल्सो अ कैपिटल, लेकिन लैंड कैपिटल नहीं है क्योंकि लैंड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे लैंड है इमोबाइल है, लैंड फ्लेक्सिबल है, परमानेंट है। लेकिन कैपिटल का कैरेक्टरिस्टिक्स है कैपिटल मैनमेड होगा, टेम्पररी होगा, मोबाइल होगा और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम टू टाइम डिफर होगा। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एंड लैंड डजंट कम अंडर कैपिटल क्योंकि लैंड परमानेंट है, इमोबाइल है मेनली, ये तो मैनमेड नहीं है, ये तो नेचर की गिफ्ट है, इसलिए लैंड इज नॉट अ कैपिटल। सो कैपिटल इज समथिंग विच इज़ टेम्पररी, मेनली मैनमेड एंड इट इज़ मोबाइल। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ कैपिटल। सो हम कैपिटल से हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो कैपिटल का मतलब क्या है? इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, हम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हम कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे। सो प्रोड्यूस करने से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, इसलिए विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो इट मेक्स ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, सो जैसे मान लो तुम एक बुक शॉप रन कर रहे हो, सो तुम एक दुकान मतलब बुक शॉप, यू आर रनिंग अ बुक शॉप। ठीक है, सो ये बुक शॉप में कैपिटल क्या होता है? बुक्स, टेबल और ऑफ कोर्स शॉप, और इसमें जैसे पेंस, टेबल, वुड और शेल्फ, यू नो एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये सब कैपिटल है। इवन दो यू आर रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, दीज बेसिक इंग्रेडिएंट्स
विल हेल्प यू सेल योर बुक्स. अगर शॉप ही नहीं होता ना, हाउ यू कैन सेल योर बुक्स, है ना. सो ये कैपिटल जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल लाइफ फुलफिल करने के लिए, ठीक है. सो दिस इज एडवांटेजेस ऑफ कैपिटल. वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड दिस ऑल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडिविजुअल्स टू फुलफिल देयर डिफरेंट नीड्स. नेक्स्ट इज एंटरप्राइज, ठीक है. सो बेसिकली एंटरप्राइज का मतलब है इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है. जैसे मान लो कि तुम एक इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना चाहते हो या तुम एक इंडस्ट्री को रन कर रहे हो, ठीक है. तुम ही बॉस हो या तुम ही सीईओ हो, ठीक है. सो तुम सीईओ हो और यू आर द डिसीजन मेकर. तुम तो प्लान करोगे, मतलब ये तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, और तुम ही वो प्लान्स को इम्प्लीमेंट करोगे. मतलब इस केस में डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है. सो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग का बॉस कौन है? यू. सो दिस इज वाई यू आर कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजर. और ये प्रोसेस जो है आइडियाज़ को जनरेट करना और आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, ये तो एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस को हम एंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है. जैसे सर्विसेस, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल कस्टमर का सर्विसेस है, मतलब ये तो एक प्रोसेस है, सो ये भी एंटरप्राइज है, ठीक है. सो ये आइडियाज़ को जनरेट करना, इम्प्लीमेंट करना, ये सब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एक स्टेप है, ठीक है. सो ये है एंटरप्राइज, मतलब इम्प्लीमेंटेशन या प्रोसेस कुछ भी, ठीक है. जैसे मान लो मशीनरीज, जैसे मान लो एक इंडस्ट्री में मशीनरीज है, मतलब तुम वो मशीनरीज को यूज़ कर रहे हो, यूज़ करके तुम तुम्हारा इंडस्ट्री का प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हो. सो तुम यूज़ कर रहे हो का मतलब है इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये है एंटरप्राइज, ठीक है. सो ये एंटरप्राइज मेनली गुड्स को प्रोवाइड करना और गिविंग द सर्विसेज इट्स इट्स मेन एम. सो प्रोवाइडिंग गुड्स का मतलब है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, और सर्विस कीपिंग भी सेम है, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज, हाँ, अकॉर्डिंग टू जे एस कंप्यूटर, ही इज़ अ जर्मन इकोनॉमिस्ट, सो ही डिफाइंड एन एंटरप्रेन्योर एज द पर्सन हैविंग रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन कैपेसिटी, ठीक है. जैसे मान लो तुम ही सीईओ, मतलब यू हैव द राइट टू टेक द डिसीजन. अगर तुम डिसीजन ले रहे हो, मतलब यू आर लिटरली टेकिंग द रिस्क, ठीक है. लोग बोलते यू शुड टेक द रिस्क टू इम्प्रूव, मतलब ये तो तुम्हारे हाथ में, इफ़ यू डिसाइड एनीथिंग, मतलब यू आर टेकिंग द रिस्क एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट. इफ इट बिकम सक्सेसफुल इट्स गुड, इफ इट डिड नॉट बिकम सक्सेसफुल, लाइक इफ इट्स फेल्ड, यू ओनली शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, है ना, बिकॉज यू आर द वन हु टेक द डिसीजन, ठीक है. इसलिए एंटरप्रेन्योर ही शुड बी रेडी फॉर टेकिंग द डिसीजन एंड ऑल्सो फॉर फेसिंग इट, एंड ऑल्सो ही इज़ हैविंग द राइट फॉर इनोवेशन कैपेबिलिटी, ठीक है. सो ये इनोवेशन चार फील्ड्स में होते हैं. जैसे एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना एक फील्ड है, और एक नया मशीन या नया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी एक इनोवेशन है, और नया मार्केट. सो ये है चार फील्ड्स इन द इनोवेशन. ओके, सो इफ यू सी द फंक्शंस, आइडिया जनरेशन है. सो आइडिया को जनरेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना एक फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का. बिकॉज इफ़ यू आर गिवन अ वर्क टू लाइक बाय टुमारो यू शुड टेल मी अ न्यू आइडिया, सो तुम क्या करो, यू लिटरली थिंक सम न्यू आइडियाज, मतलब यू विल जनरेट आइडिया और तुम इम्प्लीमेंट करोगे वो आइडिया को, ठीक है. ये है आइडिया जनरेशन. नेक्स्ट है प्रमोशन, मतलब मार्केटिंग है. सो ये भी एक एंटरप्रेन्योर का काम है. ही शुड एबल टू मार्केट हिज ओन कंपनी, मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और सेल्स को इंक्रीज करना या डिस्काउंट देना. सो ये सब प्रमोशन में पार्ट है, ठीक है. नेक्स्ट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग. सो यू शुड एबल टू बेयर द रिस्क, यू शुड एबल टू फेस द रिस्क. अगर तुम रिस्क ले रहे हो, मतलब यू शुड ऑल्सो बी एबल टू फेस इट. नेक्स्ट है अरेंजिंग फाइनेंस. सो अरेंजिंग फाइनेंस का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं. जैसे मान लो तुम एक शॉप को रन करना चाहते हो, ठीक है. सो इसके इसमें पहला
इन्वेस्टमेंट तो इम्पोर्टेंट है ना, सो समवन शुड एबल टू इन्वेस्ट. सो ये होगा एंटरप्रेन्योर. अगर वही एंटरप्रेन्योर उसको कंपनी को रन कर रहे हैं, मतलब ही शुड एबल टू इन्वेस्ट द मनी, मतलब इनिशियल मनी है. सो ये इन्वेस्टमेंट है. नेक्स्ट है स्टाफिंग. सो स्टाफिंग का मतलब है ही शुड एबल टू ट्रेन द न्यू एम्प्लॉयज. सो पहले ट्रेन करने के लिए ही शुड गिव द वर्क, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना और वही एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना. ये स्टाफिंग में पार्ट है. और ये पांच फंक्शंस एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन है या मेन वर्क है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल एंड एंटरप्राइज. सो एंटरप्राइज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क अस ऑन इंस्टाग्राम पेज और यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. And also you can download this PPT from our Telegram channel Go for Agriculture. So thank you for watching. Till then, take care. Bye-bye.